नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ देवयानी चौबे। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। स्टेडियम तो खुल गए हैं, क्या अब आईपीएल हो पाएगा? लॉकडाउन 4 आ गया है, इसे लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इन नियमों के मुताबिक अब स्टेडियम खोले जा सकते हैं। ऐसे में इंडियन प्रीमियर लीग का इंतजार कर रहे लोगों में एक उम्मीद जगी है, लेकिन बीसीसीआई ट्रेनर अरुण धूमल ने साफ कर दिया है कि आईपीएल में हो पाना इतना आसान नहीं है। धूमल ने साफ किया है कि बीसीसीआई अभी इस दिशा में सोच नहीं रही है। धूमल के मुताबिक जब तक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेवल रोक रहे हैं, तब तक आईपीएल आयोजित करने के बारे में कोई प्लान नहीं बनाया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए धूमल ने कहा है, अभी आईपीएल को हो पाना संभव नहीं है क्योंकि यात्राओं पर अभी भी रोक है। ऐसे में आप बिना किसी यात्रा के आईपीएल कैसे करा सकते हैं? हम अभी गाइडलाइन देख रहे हैं और इसके बाद राज्य सरकारों की गाइडलाइन भी देखेंगे, इसके बाद हम प्लान करेंगे। इससे पहले गृह मंत्रालय की नई एडवर्टाइज भी साफ है, स्टेडियम खोले जा सकते हैं। एडवर्टाइजर की मुताबिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति है, लेकिन फैंस को अंदर आने की परमिशन नहीं है। इस आदेश के बाद अब क्रिकेटर्स अपनी आउटडोर प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। धूमल ने कहा है कि लोकल लेवल पर क्रिकेट स्टेडियम जाकर आउटडोर ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन पूरी टीम एक साथ नहीं जा सकती है क्योंकि प्लेयर्स बिखरे हुए हैं। एक्सप्रेस का दावा है कि अगस्त में पहले आईपीएल पर किसी तरह की सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। हालांकि ऐसे में हाल आईपीएल की विंडो हासिल करना भी बड़ा चैलेंज होगा। बीसीसीआई ऑफिसर्स के मुताबिक कई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर और आईपीएल से जुड़े लोगों को लगता है कि इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप टल सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट है और इसमें होने वाली कमाई को देखते हुए आईसीसी हर हाल में इसे आयोजित कराना चाहेगी। तो इस साल आईपीएल हो पाएगा या नहीं, अपना सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।